सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ अभी एक हादसा हुआ। मैंने 17-18 मिनट की पेटीएम की पूरी वीडियो शूट कर डाली, शूट नहीं की बेसिकली पूरी वीडियो बोल दी स्क्रीन के सामने, एंड मेरे को पूरी वीडियो के ख़त्म होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया। तो यार, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ आपके लिए, कि आपका फ़ायदा हो, लॉस ना हो। आई एम शूटिंग दिस वीडियो वंस अगेन, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर द सेकंड टाइम, और रात के 2 बज रहे हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में अगर थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को एक्स्ट्रा अच्छा लगेगा। इसी के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं पूरी डिस्कशन करना चाहता हूँ पेटीएम के ऊपर, कि पेटीएम कैसा स्टॉक है, क्या इसका बिजनेस है। बिजनेस पे वैसे मैंने जब इसका आईपीओ आया था तब भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कशन की थी, लेकिन अभी फिर से हम इस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे टू नो वेदर एट दिस प्राइस पॉइंट हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, जो लोग सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए हमें पेटीएम इन्वेस्ट। जो लोग सीखने के लिए आए हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस, तो प्लीज स्टे विद मी, प्लीज बेयर विद मी एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, यू विल लर्न अ लॉट। आगे बढ़ने से पहले, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो दैट ऑन व्हाट बेसिस आई आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड ऑन व्हाट बेसिस आई रिजेक्ट दो स्टॉक्स। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बेसिकली इसके फाइनेंशियल्स में जाने से पहले एक बार फंडामेंटल्स में जाने से पहले एक बार अगर हम इसके बिजनेस को देखना चाहें तो बिजनेस से रिलेटेड वैसे मैंने पहले डिस्कशन की ही हुई है कि इसके पास इन्होंने बेसिकली पेटीएम मॉल में जाने की कोशिश की थी, वहाँ पे ये उतने खास कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनका पेमेंट सर्विसेज के थ्रू ही आता है, जो भी ये यूपीआई अंडर ट्रांजेक्शन करते हैं और बाकी जगहों पे मर्चेंट पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ से इनका पेटीएम करो पे करो एंड ऑल से काफ़ी ज़्यादा जो है रेवेन्यू आता है, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू। तो इसके साथ साथ ये मूवीज़ भी करते हैं, फ्लाइट की टिकट भी करते हैं, तो आपको पर्सनल लोन चाहिए ये वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो बिजनेस इनका बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है। बट पॉइंट इज, कितना प्रॉफिटेबल और कितना नहीं, तो कुछ खास प्रॉफिटेबल तो कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे करूँगा नहीं, क्योंकि कुछ बहुत खास है नहीं, मतलब ये लिटरली एक अपने आप को सुपर ऐप बताते हैं, कितने सुपर है आके देखते हैं हम इनके फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल तो कुछ खास इनके सुपर है नहीं। तो चलते हैं डिस्कशन करते हैं पूरे इसके फंडामेंटल्स की। तो यार देखो, 45,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका, करंट प्राइस इसका 706 चल रहा है और बुक वैल्यू इसकी 211 रुपये है। आर ओ सी वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ नेगेटिव है, प्रोमोटर होल्डिंग जीरो दिखा रहे हैं, ऑल्दो जीरो है नहीं, विजय शंकर और बाकी सारे जो भी बड़े बड़े प्रोमोटर थे उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, वो हम नीचे देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं सीधा सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। लगातार सेल्स तो खैर थोड़ी बहुत बढ़ी रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी, नेट लॉस भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, और अभी भी नेट लॉस काफ़ी अच्छा खासा है, -680 करोड़ की फिगर है, ठीक है। और इसका नेट प्रॉफिट, सॉरी आई अपोलोजाइज, इसका नेट लॉस जो है -2,325 करोड़ रुपए का है। नाउ एक चीज़ देखो, होता क्या है ना, इमेजिन करो तुम्हारी एक शॉप है, ठीक है, जैसे कि इमेजिन करने की कोशिश करो, शॉप कितने की, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, और अगर हर हर महीने वो शॉप तुम्हें 1-1 लाख का लॉस दे रही है, तो तुम ये बात एग्री करते हो या नहीं कि 10 महीने में तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे। हर महीने वो शॉप लगातार 1 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस, शॉप स्टार्ट करते वक्त तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए थे अपार्ट फ्रॉम द इन्वेंटरी एंड ऑल, 10 महीनों बाद तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे, तुम्हारे वो रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं इनका जो ये लगभग 2,325 करोड़ का लॉस है, पहले इससे ज़्यादा था, मैं अज्यूम कर लेता हूँ फ्यूचर में कुछ खास इंप्रूव तो हो नहीं रहे, लगभग इतना ही मेंटेन भी रहे, ठीक है, बढ़े नहीं बस, मतलब घटे नहीं, मेंटेन रहे। तो सीधा सीधा अगर मैं फिगर पे आके देख लूँ तो रिवर्स रिजर्व्स जो है ना, ये रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल, ये होती है कंपनी की इक्विटी, कि कंपनी के पास कितना माल पड़ा हुआ है। तो दिस इज 13,648 करोड़ प्लस दिस ऑलमोस्ट 13,700 करोड़। जिस रेट से ये लॉस कर रहे हैं ना, कितने साल में ये बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, 5-6, ऑलमोस्ट 5.5-6 साल में ये कंपनी खत्म है, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स बोल रही है ये, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स कह रही है कि 6 साल बाद इस कंपनी की सर्वाइवल की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से लॉस बढ़ रहे हैं, 6 साल में कंपनी खत्म हो जाएगी, तो आपका पैसा, अब बहुत लोग सोचते हैं यार आईपीओ में हमने सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अभी 3,000 या जो भी जितना भी शेयर प्राइस गिरा, हम टेक्निकल में डिस्कशन करेंगे, उतना रह गया, पड़े रहने देता हूँ, क्यों पड़े रहने दूँ,
यार देखो इस कंपनी का ना कुछ नहीं हो रहा है, तो स्टॉप कन्विंसिंग योर सेल्फ कि हाँ कुछ तो हो जाएगा, कंपनी ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, बहुत तीर मार लेगी। अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि इसको कितने हजार करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा टू जस्टिफाई दिस वैल्यूएशन, उस पर भी मैं अभी बहुत ही जल्द डिस्कशन करूंगा। सो प्लीज स्टे विद मी टिल द वेरी एंड। तो ये तो देखो हम सब एग्री करते हैं कि 6 साल में अगर कंपनी ने कुछ तीर नहीं मारा, कंपनी ने अगर अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव नहीं किया, तो 6 साल में कंपनी खत्म है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अब इसके एक बार मैं एसेट्स पे नजर डालना चाहता हूँ बस मैं, कि जो इनकी बुक वैल्यू थी जो कि एसेट्स के थ्रू आती है और लाइबिलिटीज, लोन तो काफ़ी कम है तो नॉट अ बिग डील। एक सेकेंड, एसेट इनका या अब खुला है तो एसेट अगर मैं देखना चाहूँ तो चलो ठीक है, इनका जोमेटो और कार्टरेट जैसा हाल नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स कुछ बहुत खास नहीं है, एसेट इनके पास सही वाले एसेट्स हैं विच इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, तो ठीक है एसेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, फाइनेंसिंग बस प्रॉफिट है जो कि ये पैसा रेस करते रहते हैं जहाँ से भी आता होगा। ये ओवरऑल हद से ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है इनका। अब डिटेल डिस्कशन करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। FIS ने 9% की होल्डिंग ली थी, बेच दी। DIIs पता नहीं क्यों 1% की ओर रखी हुई है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है कि ये शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, तो उस वजह से इंडिया के कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें उन्हें इसमें एलोकेट करना पड़ गया होगा। सो उस वजह से ही होगी DIIs की होल्डिंग अगर होगी तो, वरना कोई भी DII इतना मेरे अकॉर्डिंग तो बेवकूफ़ नहीं है जो पेटीएम जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। नाउ अब जितनी भी ये होल्डिंग है ना, ये सारे अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही कहलाएंगे, तो जो रिटेल पब्लिक होती है जो वीकेंड होती है उसकी कितनी होल्डिंग है अगर ये मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 24.89, दिस इज अराउंड 79.79। ठीक है, अब तू बोलोगे अरे तो सुपर कंप्यूटर है इसी जल्दी कैलकुलेट कर दिया, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80% 79.79% निकल के आता है ये, ऑलमोस्ट 80% होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, मतलब रिटेल पब्लिक के हाथ में दिस 80-4-1 ऑलमोस्ट 15% के अराउंड है। ठीक है, 15% पब्लिक के हाथ में है, तो अब कहने को तो स्ट्रॉन्ग हैंड पे तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल्स इसके कुछ और ही कह रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यार मैं स्क्रीनर पे जाके आपको दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीनर पे मैंने ये क्वेरी रन की, क्वेरी को छोड़ो, तो यार स्क्रीनर पे जाके मैं अगर कंपनीज की लिस्ट निकालूँ कि वो सारी कंपनीज जो जिनका मार्केट कैप 45,000 करोड़ से कम है, तो मेरे पास दो कंपनी जो मैंने सिलेक्ट की है रैंडमली, वो है एबॉट इंडिया एंड कोलगेट पाल्मोलिव। तो यार आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एबॉट इंडिया का मार्केट कैप 40,000 करोड़ है, 40,500 करोड़, जो कि पेटीएम से 5,000 करोड़ कम ही है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। ये कंपनी बेचारी इतनी इज्जत से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1400 करोड़ का जनरेट कर रही है, टैक्स पे करने के बाद 1000 करोड़ का, 1409 करोड़ एग्जैक्ट है बट ठीक है, लगभग 1400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और यहाँ पे पेटीएम है इतनी, मतलब आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड, इतनी घटिया सी कंपनी है, -2000 करोड़ की फिगर जनरेट कर रही है, ये जनरेट नहीं कर रही, लूज कर रही है ये ऑन अ ईयरली बेसिस। और हम इसको पेटीएम से महंगे में, सॉरी इसको कोलगेट से महंगे में खरीद रहे हैं, डज दैट मेक एनी लॉजिकल सेंस टू यू? मेरे को तो कोई भी लॉजिकल सेंस में एक नहीं लग रही है इसमें। अब तुम बोलोगे बिजनेस अलग है एंड ऑल है, ये पेटीएम ये कर सकती है वो कर सकती है, फ्यूचर में ये हो सकता है, तो यार अपने आप को कन्विंस करना बंद करो। इतने सालों से एग्जिस्टेंस में है पेटीएम, कुछ अच्छा होना होता तो हो जाता, ठीक है 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया है गैस, और अगर अभी तक इनकॉर्पोरेटेड इन 2022 साल हो गए हैं, अगर अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल में नहीं आई है ना, मेरे को नहीं पता इसको ना जाने 100-200 और कितने साल चाहिए। बाय द वे इसके पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि ये क्वार्टर ईयरली लॉस कर रही है लगभग 2300 करोड़ का, और 13,000 करोड़ तो इसके पास सिर्फ कैश बचा हुआ है, 6-7 साल में ये कैश भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंपनी हो जाएगी चिल टाइप बैंकक्रप्ट, एज सिंपल एज दैट। और आई डोंट थिंक सो कि वो पैसा ये रेज कर पाएंगे, बट कुछ भरोसा नहीं है यार, ये पता नहीं कौन है वो महान देवता इन्वेस्टर जो ऐसी कंपनीज में अपना पैसा पम्प्ड इन करे जा रहे हैं। खैर रिटेलर्स तो है ही, मेरे दोस्त का कुछ दिनों पहले कॉल आया था कि यार पेटीएम में कैशबैक तो अच्छे आते थे, सारे कैशबैक वापस ले लिए उसने, मीनवाइल पेटीएम भी लाइक कैसा लगा मेरा मजाक। तो यार ये कंपनी ऐसा करती रहती है ना। पॉइंट इज यार सारी फिगर्स नेगेटिव हैं, सब कुछ बेकार है, और एबॉट इंडिया का भी देखा जाए तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ है, विच इज 5,000 करोड़ लेस देन पेटीएम, और एबॉट इंडिया कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,000 करोड़, तो पेटीएम को मिनिमम एटलीस्ट इतना तो जनरेट करना ही होगा लगभग आंगी पेटीएम। हाँ तो यार यहाँ पे जो ये माइनस की फिगर है ना, पेटीएम को कम से कम 1,000 करोड़ प्रॉफिट तो जनरेट करना ही पड़ेगा, कि उसके बाद टैक्स पे करने के बाद उनके पास जो भी है 700-800 करोड़ कुछ तो मुंह दिखाने लायक फिगर हो कि हम पेटीएम को बाय करें भी। लेकिन इस लॉस की फिगर्स पे और जो भी इनके करेंटली स्टैट्स चल रहे हैं,
ऐसी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस इस पॉइंट पे। अगर आपने गलती से पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई किया था और उसके बाद आप प्रोबेबली हो गए अभी 63% के लॉस में, तो द ओनली थिंग दैट मेक सेंस राइट नाउ इज सेल इट, बिकॉज बहुत अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी काफ़ी करेक्टेड वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप मेरी चैनल पे जा सकते हो, उसमें ग्रेट वैल्यू बाय स्टॉक्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स की मैंने डिस्कशन किया है। जब मैंने डिस्कशन की थी वो स्टॉक उस प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज दोज आर वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटीज़, उनको वो प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं, सेल्स लगातार ग्रो कर रही है। और मैंने किसी ना किसी 7-8 स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास, उनमें उन स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ही मैंने वीडियो बनाई थी। नाउ स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती कि उसके बाद ऊपर ही जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी इतना प्रेडिक्ट कर लेती है कि बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, बट करेंटली क्योंकि मार्केट के नीचे आने की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टॉक्स में पोजिशन को बनाने की। सो आप जाओ और आप उन स्टॉक्स को बाय करो। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल फ्रॉम माय साइड, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो दैट व्हाई आई लव दोस स्टॉक्स एंड नॉट पेटीएम एट ऑल। सो यार यही सब डिस्कस करना था मुझे कि पेटीएम जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। अब जैसे ये स्टॉक हल्का सा ऊपर गया ना, ये 500 की रेंज में था और अब ये 700 पे गया, ऑलमोस्ट 25% का गेन है ये। तो इसके साथ ना कुछ न्यूज़ आएंगी, जैसे एक न्यूज़ में एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, ही बॉट इतने लाख शेयर, भाई साहब सिर्फ 11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए उसने, मात्र 11 करोड़ रुपए, ठीक है। तो पॉइंट इज 11 करोड़ में वो इतने लाख शेयर्स बाय किए हैं और न्यूज़ इस तरीके से सर्कुलेट की जा रही है, आपको दिख ही रहे कितने सारे आर्टिकल्स हैं, पेटीएम फाउंडर बाय इतने शेयर्स, बाय इतने शेयर्स, बाय इतने शेयर्स, क्यों? ताकि रिटेल इन्वेस्टर पे होप जाग जाए, एक बस होप की किरण जाग जाए कि अगर को फाउंडर शेयर्स को बाय कर रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सो ऐसी न्यूज़ के चक्कर में मत आओ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज़ आएंगी आपको ट्रैप करने के लिए। सो मेरी तरफ से बस इतना ही है कि थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो। मैं अनूप सोनी नहीं हूँ, मैं हेमंत जैन विदा लेता हूँ। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड हाँ, जाने से पहले यार लिटरली रात के 2 बजे मैंने वीडियो दोबारा से शूट किया, प्लीज़ लाइक कर देना यार, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेटेड फील होंगे और मैं और ऐसी ही डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो और भी आगे आती रहेगी। सो ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।